दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल सेशन में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फटाफट सभी दोस्त मेरे साथ जुड़ जाइए अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को आई होप दिखाई भी देने लगा होगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों, चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें मेरा नाम है अरविंद शुक्ला, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस का मेंटर हूं और आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं। टारगेट एसबीआई आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जाम के लिए जो मेरा बैच है वो 2 फरवरी स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग 10:30 AM पर मैं डेली क्लास लेता हूं दोस्तों और यहां पर प्योर बैंकिंग आपको पढ़ा रहा हूं लेटेस्ट अपडेशन के साथ। तो बैंकिंग की क्लास जिन दोस्तों को करना है वो सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो फटाफट आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक, चलिए तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि एक्सेलेरेटर बैच फॉर एसबीआई पीओ 2022 9 फरवरी से आप सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। और आप सभी को बताते चले साथ ही साथ कि मिशन क्लर्क एसबीआई 2022 बैच भी आपके लिए आ चुका है। सो स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों और आपके लिए फरवरी ऑफर भी आ चुका है। फरवरी ऑफर के तहत आपको 6 मंथ पर 1 महीने और 1 साल और 2 साल पे 3 महीने और 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये बैंक एग्जाम के लिए है। बैंक एसएससी के कॉम्बो पर आपको 3 महीने और 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। बैंक और आरबीआई का जो कॉम्बो है यहाँ पर 6 महीने पर 1 महीना और 1 साल पर 3 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अगर आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। यानी एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इसके बाद जितने भी बैच होंगे वो सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और आइकॉनिक फीचर इससे भी थोड़ा बढ़िया और स्टार है क्योंकि ये सभी फैसिलिटी साथ आपको ये सेवाएं भी मिल जाती है आइकॉनिक फीचर के तहत। ठीक है दोस्तों, जिनमें एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस और स्टडी मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, अब बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दोनों फीचर के तहत आपको कोर्स उपलब्ध हैं और सबसे बेस्ट होता है 24 मंथ्स का। कितना होता है 24 मंथ्स का दोस्तों, जहां पर आप ARS50 कोड का प्रयोग करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे 10 AM पर ऑर्गेनाइज किया जाता है और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज करना है कोड ARS50। ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है। 36 क्वेश्चन 50 मिनट में आप कर सकते हैं और ये जो पेपर है ये एवरी संडे, आप सभी को बता दें वेबसाइट और ऐप दोनों जगह पर उपलब्ध है, जहां से आप देना चाहें वहां से दे सकते हैं। आस्क अ डाउट एक यूनिक फीचर है, जिस इस यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो इस यूनिक फीचर का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने घर बैठे आपकी जो प्रिपरेशन है वहां पर जो आपको डाउट्स आ रहा है उन डाउट्स को तुरंत तुरंत आप पूछ सकते हैं एक्सपर्ट पैनल से और वो आपको प्रोवाइड करेंगे एप्रोप्रिएट आंसर। ये वेबसाइट पर भी अब सेवा उपलब्ध हो गई है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रेज हैंड एक और यूनिक फीचर है, जहां पर आप लाइव क्लास पढ़ा रहे होते हैं और वहां पर अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मेरी फ्री स्पेशल क्लास अगर आपको पढ़नी है तो 3 PM पर मैं ये क्लास लेता हूं। ठीक है दोस्तों, और ये रामबाण क्लास है। कौन सी क्लास है? रामबाण क्लास है दोस्तों। 40 out of 40 की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं और 36+ आंसर आप लोग देके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो डेली 3 PM याद रखिएगा। चलिए तो करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया दोस्तों। पहली खबर आपके सामने आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी को। ठीक है दोस्तों, समानता को प्रदर्शित करती हुई स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जिसे हैदराबाद में क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप सभी को पता होगा रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है जिसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मूर्ति है ये गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से और ब्रॉन्ज से बनी है। जिंक का भी इसमें प्रयोग किया गया है और ये आपको बता दें अमंग द वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। यानी बैठे हुए किसी व्यक्ति की ये जो सबसे ऊंची मूर्तियां हैं उनमें से एक मूर्ति है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अभी इनॉग्रेशन किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे किया है? हैदराबाद में। कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया है दोस्तों। और 11th century के भक्ति संत जो श्री रामानुजाचार्य हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था आइडिया ऑफ इक्विलिटी। उन्होंने समानता की बात की थी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फेथ कास्ट एंड क्रीड। तो सभी क्षेत्रों में समानता की बात की थी और ये ऐसे थे हमारे रामानुजाचार्य जी जो कि
जिनकी मूर्ति इनॉग्रेट हुई है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से। ठीक है, तो स्टैच्यू इज मेड ऑफ पंच लोहा, ठीक है, पंच लोहा से बनी, यानी पांच धातुओं से मिलकर बनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव मेटल्स। ठीक है, नंबर एक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, ये पांच धातुओं से मिलकर ये मूर्ति बनी है। इट इज अमंग वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि द स्टैच्यू हैज बीन कंसेप्चुलाइज बाय चिन्ना जी आर स्वामी। ठीक है, रामानुजाचार्य आश्रम के एक स्वामी हैं, उनके द्वारा ये कंसेप्ट को लाया गया था। अब चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में, कहां पे तेलंगाना, तो तेलंगाना का हम स्टैटिक जीके भी एक बार देख लेते हैं। तेलंगाना में जो फेमस बांध है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बना है, श्री राम सागर रिवर जो कि गोदावरी नदी पर बना है, और निजाम सागर डैम जो कि मंजीरा रिवर पर बना है, ये तीन चार डैम बहुत फेमस हैं तेलंगाना के। नेशनल पार्क में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गबानी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये सभी नेशनल पार्क पाए जाते हैं तेलंगाना में। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 अभी हाल ही में इंडिया ने जीत लिया है, और इस बार इंडिया ने पांचवी बार ये टाइटल जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग चैट बॉक्स में भी लिखते जाइए, अपने पॉइंट्स को। ठीक है, सो जो आपको बता दें अभी हाल ही में जो एंटीगुआ में जो फाइनल खेला गया, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और इसे इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीत लिया, 4 विकेट से हराया है। 190 रन्स का इसको टारगेट दिया गया था, किसको, इंडिया को, कि भाई आपको अचीव करना है, इंडिया ने अचीव कर लिया। ठीक है दोस्तों, सो यस धुल जो कि इंडिया टीम के कप्तान थे विनिंग साइड से, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेवलार्ड वेरविस को मिला है जो कि साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 506 रन 6 इनिंग में बनाए हैं दोस्तों। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल्स राजभवा को मिला है जो कि भारत से है, तो मैन ऑफ द मैच है राजभवा साहब, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है डीवर्ल्ड वेरविस, ठीक है दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और हमारी टीम के कप्तान थे यस धुल साहब। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और खबर। सोनम मीना जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। शिखा जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकॉर्ड भारत को लोन दिया है 4.6 बिलियन का, ठीक है, 2021 में यूएसडी डॉलर में, तो 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का लोन भारत को दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर छापी है। ठीक है दोस्तों, सो एज पर द डेटा रिलीज बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो डेटा भी रिलीज किया है 6 फरवरी को, इन्होंने प्रोवाइड किया है कि 4.6 बिलियन सोवरेन लैंडिंग इन इंडिया, तो सोवरेन लैंडिंग भारत में की गई है। अब आप कहोगे सोवरेन यानी संप्रभु ऋण होता क्या है, देखिए दो तरीके से संप्रभु ऋण को हम समझते हैं, पहला संप्रभु ऋण सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें विदेशी मुद्रा और विदेशी निवेशकों को बेचा जाता है कि आप मेरे नाम पे ये ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा किसी भी वित्तीय संस्थान के द्वारा किसी भी देश की सरकार को दिया गया लोन सॉवरन लोन कहलाता है, अगर वह अर्थव्यवस्था विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां पर ग्रोथ दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही एक उभरती अर्थव्यवस्था भारत है, और इसी उभरती अर्थव्यवस्था को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 4.6 बिलियन का सोवरन लैंडिंग यानी लोन दिया गया है, और ये रिकॉर्ड लैंडिंग है। ठीक है, सो दिस इंक्लूड USD 1.8 बिलियन टावर्स कोरोना वायरस डिसीज पेंडेमिक रिस्पॉन्स, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यही लाइन पेपर में पूछी गई थी कि आपको आंसर टिक लगाना था 1.8 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.8 बिलियन कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए दिया है, और 4.6 बिलियन का लोन कमिट किया है भारत को, 17 प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है, 17 लोन दिए हैं 4.6 बिलियन यूएस डॉलर के। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगली खबर आपके सामने आ गई है, फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम लेड इन जयपुर। अब देखो विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है, और ये अनाउंस बहुत पहले हो चुका था, इसकी फाउंडेशन स्टोन अभी रखी गई है, और फाउंडेशन स्टोन रखने में कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे, बीसीसीआई के चेयरमैन
सौरभ गांगुली और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ठीक है। तो विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनने जा रहा है, विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है, उसकी फाउंडेशन स्टोन को रख दिया गया। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, इन दोनों ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जयपुर में, ठीक है। जयपुर में बनने जा रहा है द न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम विल बी बिल्ट बाय राजस्थान क्रिकेट अकेडमी, आरसीए के द्वारा इसको बनाया जाएगा 100 एकड़ में, और इसमें बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 75,000 लोग एक साथ क्रिकेट मैच देख पाएंगे। कितने लोग, 75,000 लोग। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात में, कहां पे है, गुजरात में है, ठीक दोस्तों। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेलबर्न आता है ऑस्ट्रेलिया का, कहां का आता है, ऑस्ट्रेलिया का, कहां का आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है। इसके बाद आपको बता दें ईडन गार्डन आता था नंबर 3 पे, जो कि कलकत्ता में है, कहां पे है, कलकत्ता या बंगाल लिख दीजिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में था। अब इस स्टेडियम को पीछे रहना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे जो स्टेडियम आने जा रहा है वो जयपुर का आ रहा है, कहां पर, जयपुर में बनने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कहां पे बनने जा रहा है, जयपुर में, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को, जहां पर हम लोग एमसीक्यू सेशन को कवर करेंगे और एमसीक्यू के बाद इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि पीओ के एग्जाम में चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोई भी पीओ, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, एक्सप्लेनेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट की बात होती है, ठीक है दोस्तों। सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैज इंक्लूड पुनौरा धाम अंडर प्रसाद स्कीम, वॉट डस पी स्टैंड्स फॉर इन द एब्रीवेशन ऑफ प्रसाद, ठीक है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत पुनौरा धाम को शामिल किया है, प्रसाद में पी का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी को बता दें कि प्रसाद की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्रसाद की बात करें, तो जो प्रसाद है ये एक स्कीम है जिसके तहत तीर्थ यात्रियों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लेके जाया जाएगा। पी का होता है प्रिग, जो पिलग्रिमरेज होते हैं ना, जिनको मतलब आपको कहां पे घूमना होता है, जो तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए, पिलग्रिमरेज होते हैं जो, जिन्हें तीर्थ यात्री कहा जाता है, उनके रेजुविनेशन के लिए, ठीक है दोस्तों, एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका नाम है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, तो यहां पर जो ए का फुल फॉर्म होगा वो होगा पिलग्रिमेज, ठीक है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंक्लूड किया है डेस्टिनेशन को जिसका नाम है पुनौरा धाम, ठीक है, जो कि सीतामणि के पास है और रामायण सर्किट के तहत स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इसको शामिल किया गया है। पुनौरा धाम हैज बीन इंक्लूड अंडर द प्रसाद स्कीम, ठीक है, पिलग्रिमेज, रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज प्रपोज टू बी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सीतामणि कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। अब पुनौरा धाम के बारे में हम आपको बता दें, पुनौरा धाम क्या है, पुनौरा गांव में स्थित पुनौरा धाम देवी सीता का जन्म स्थान है। तो कहा जाता है कि देवी सीता का जन्म यहां पे हुआ था, मंदिर परिसर में राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक तालाब और एक हॉल शामिल है, ठीक है दोस्तों। प्रसाद योजना के तहत जैन थीम के तहत वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगिरी, पावापुरी, चंपापुरी तीर्थ कर सर्किट को शामिल किया गया है। सर्किट के विकास के लिए 2016-17 को मंजूरी दी गई थी। आध्यात्मिक विषय के तहत सुल्तानगंज, धर्मशाला, देवघर में आध्यात्मिक सर्किट एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए अगली खबर आपके सामने ये है, बहुत बढ़िया। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीकल के लिए 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एथर एनर्जी और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एथर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी टू सेटअप 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीकल होंगी उनकी चार्जिंग के लिए जो स्टेशन बनाने की बात की जा रही है वो किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इस बात को आगे बढ़ाया है। तो आपको बता दें 1000 स्टेशन खोलने जा रही है कर्नाटक सरकार। कौन सी सरकार खोलने जा रही है, कर्नाटक सरकार। कौन सी सरकार, कर्नाटक सरकार। देखिए, कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में ईथर एनर्जी और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत
1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे और टू व्हीलर्स को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ईथर एनर्जी विल प्रोवाइड फ्री चार्जिंग सर्विस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स, यानी फ्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग की सेवा दी जाएगी। अब जब फ्री में दी जाएगी तो लोग ज्यादा इनकरेज होंगे, लोग इनकरेज होंगे तो क्या खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखो, आपको बता दे के सरकार ने 2021 की शुरुआत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक खाना पकाने वाले उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान भी शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, गो इलेक्ट्रिक अभियान। ठीक है दोस्तों, याद रखिए गो इलेक्ट्रिक अभियान, जाओ नहीं यहाँ पे, गो इलेक्ट्रिक अभियान। ठीक, अब देखो सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की बात कर ले, कर्नाटका चूंकि चर्चा में आया है, कर्नाटका में प्रमुख लेक स्टैटिक जी के आज हम कवर करेंगे, सिर्फ स्टैटिक जी के। ठीक है दोस्तों, प्रमुख लेक कौन सी है, आगरा लेक है, वेलेंदूर लेक है, वायसंद्रा लेक है, हेबल लेक है। ये सभी लेक कहां पाई जाती है, कर्नाटक में। ठीक, बांध कौन कौन से, कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगभद्रा डैम कहां पर पाया जाता है, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और लिंगा मक्की डैम, ये जो डैम है ये सभी डैम कर्नाटक में बने हुए हैं। स्टेडियम चिन्ना स्वामी, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कर्नाटक में है, क्रिकेट स्टेडियम है। फोक डांस यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, वो है यक्षगान। ठीक है, सुग्गी है, सुग्गी कुंतिया और करगा है। ठीक है दोस्तों, पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पाया जाता है दोस्तों, ये कर्नाटक में। बनेर घाट नेशनल पार्क कर्नाटक में, कुंदेरमुख नेशनल घाट कर्नाटक में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में, अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये कर्नाटक का स्टेट जी के दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट भी आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन में भी टफ हो और थोड़ा सा आपके पढ़ने में भी दूरी हो, ऐसे प्रश्न को लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न साउथ के जो स्टैटिक जीके हैं वहां से उठा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से किस एयरलाइन कंपनी का एमडी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राहुल भाटिया कौन है, फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइन है और इन्हें इंडिगो का ही क्या बना दिया गया, एमडी और सीईओ बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एमडी और सीईओ। आपको पता होगा लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइंस, भारत में जो सस्ती एयरलाइंस है जिसका नाम है इंडिगो। क्या नाम है, इंडिगो। इन्होंने अपॉइंट किया है को फाउंडर एंड प्रमोटर राहुल भाटिया को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तत्काल प्रभाव से राहुल भाटिया को इंडिगो का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, ही इज फर्स्ट एवर एमडी ऑफ इंडिगो बिकॉज बिफोर दिस द कंपनी नेवर हैड अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके पहले कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं थे, पहली बार मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं। रोनोजॉय दत्ता सीईओ ऑफ इंडिगो। ठीक है दोस्तों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग इट्स मीटिंग यूनानिमसली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ भाटिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो राहुल भाटिया को इमीडिएट इफेक्ट से एमडी बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इंडिगो के सीईओ कौन है, रोनो दत्ता है, फाउंड 2005 में हुई थी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और फाउंडर कौन है, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल साहब। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। A short biography of Indian athlete Neeraj Chopra has titled Golden Boy Neeraj Chopra, authored by whom? एक बायोग्राफी अभी हाल ही में जारी की गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसे किसके द्वारा लिखा गया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई बायोग्राफी है। तो आपको बता दें, नवदीप सिंह गिल साहब ने अभी हाल ही में ये बायोग्राफी को लिखा है। A short biography of Indian athlete नीरज चोपड़ा, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, authored by sports author नवदीप सिंह गिल, यानी जो खेल समाचार लिखते हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई, इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। ठीक है, so नीरज चोपड़ा won gold medal javelin throw in 2020 Tokyo Olympics। ठीक है दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसलिए चर्चा में, बहुत ज्यादा चर्चा में है। बायोग्राफी ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021 गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वॉज रिलीज बाय द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब कला परिषद सुरजीत पटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब
साहित्य अकेदमी लखविंदर सिंह जोहाल, ठीक है, तो इनके द्वारा इस किताब को क्या किया गया, रिलीज किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में आपको बता दें, माई लाइफ माई मिशन, याद रखिएगा, स्वामी रामदेव जी की किताब है, ठीक है। कैलेस्टियल बॉडीज, जोखा अलहत्री की किताब है। माई सेडियस हार्ट, अरुंधति रॉय की किताब है। कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह की किताब है। चेकबुक, वसुदेव मोहिस की किताब है। और कोर्ट ऑफ इंडिया, रंजन गगोई साहब की किताब है। तो ये इंपॉर्टेंट किताब है, इनको जरूर पढ़ लो। देखो भाई, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है, बट जो एक्स्ट्रा डोज है इसको जरूर पढ़ लिया करो। माई लाइफ माई मिशन, स्वामी रामदेव। कैलेसलियल बॉडी किसकी है, जोखा अलहत्री की। फिर इसके बाद कौन सी, द सैडियस हार्ट, अरुंधति रॉय। कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह की है, ठीक है दोस्तों। चेकबुक वसुदेव मोहिस की है। कोर्ट ऑफ इंडिया किसकी है, रंजन गगोई साहब की किताब है, ठीक। तो इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किसे अपना महालेखा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम होल टू एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो जो एडिशनल चार्ज है कंट्रोलर ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स का, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स का, जिसे CGA कहा जाता है, वो सोनाली सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है, सोनाली सिंह को दिया गया है, सोनाली सिंह। सो भारत सरकार ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है सोनाली सिंह को, ठीक है। एडिशनल चार्ज दिया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। इसके पहले दीपक दास साहब इस पद को देख रहे थे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 February 2022। सी हैज बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ दीपक दास, ठीक, जो कि रिटायर्ड हो गए हैं 31 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। सोनाली सिंह 1987 बैच की ऑफिसर हैं और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज से आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सोनाली सिंह को अभी इस समय अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं रिसेंटली हुए हैं। सबसे पहले आरबीआई ने अप्रूव्ड किया है अपॉइंटमेंट किसका, इत्तिरा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐड किया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस पद पर ऐड किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, ठीक है। फिर इसरो ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है और रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे, एस सोमनाथ होंगे। कौन होंगे, डॉक्टर एस सोमनाथ होंगे, ठीक है, जो कि के सिवान की जगह पे लेंगे, ठीक है दोस्तों। रिन्यूबाय ने अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है, राजकुमार राव को अपॉइंट किया है। इसके बाद फ्रेंच बॉर्न, यानी आपको बता दें फ्रांस में जन्मे इकोनॉमिस्ट पेरी ओलिवर को अभी हाल ही में IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट का पद दिया गया है। कौन सा पद दिया गया है, चीफ इकोनॉमिस्ट का पद दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एम जगदीश कुमार, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किस विद्यालय के कुलपति हैं, एम जगदीश कुमार, ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन, द वाइस चांसलर ऑफ Which university? तो आपको बता दें ये जो जगदीश कुमार साहब हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आते हैं। कहां से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC का अध्यक्ष, UGC के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं। UGC के नए अध्यक्ष कौन बना, ये आज से 6 महीने की बात की परीक्षा में भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार को UGC का क्या बना दिया गया है दोस्तों, वह अध्यक्ष यानी चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और टिल अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियस्ट, या तो ये 65 साल के पहले हो जाते हैं या इनका 5 साल का कार्यकाल, जो पहले हो जाएगा उतने दिन के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली खबर, अब हम लोग आ गए हैं खबर नंबर 7 पे। उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे नॉर्दर्न ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी नाटो कहा जाता है संगठन, ठीक है, प्रमुख का नाम क्या है, जो वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कारोबार संभालेंगे। What is the name of North Atlantic Treaty Organization chief who will take over the Norway Central Bank governor at the end of the year? तो इस साल के अंत में ये नॉर्वे के
केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, तो इसी प्रकार नॉर्वे का जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर बनने जा रहे हैं, उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है दोस्तों। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि नाटो के अध्यक्ष हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, ये टेक ओवर करेंगे नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का पद इस साल, ठीक है दोस्तों। और इनका अपॉइंटमेंट कम अमिड एक्सेलेटिंग टेंशंस बिटवीन वेस्ट एंड रसिया, ठीक है दोस्तों। और उस समय इनको इस पद पे भेजा जा रहा है जब पश्चिम रसिया के बीच में तनाव चल रहा है। यह नियुक्ति पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, जो नाटो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है, ठीक है दोस्तों। तो यूक्रेन सभी को पता है कि वो नाटो में जाना चाहता है, और रूस वहां की अपनी सेना 100,000 सिपाहियों के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा है कि अगर आपने नाटो की तरफ हाथ बढ़ाया तो हम आप पे हमला कर देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। एक खबर और आ रही है कि यूक्रेन एक पाइपलाइन जो यूरोप जाती है रसिया से उसको नहीं जाने दे रहा है, जिसकी वजह से भी ये प्रेशर बना हुआ है। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, 62 वर्षीय प्रशिक्षित अर्थशास्त्री श्री स्टोल्टेनबर्ग ठीक जोर देकर कहा कि वे अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अंत तक नाटो महासचिव के रूप में बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। सो नॉर्वे का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करता है, लेकिन देश के विशाल संप्रभु धन कोष का प्रबंधन भी करता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नाटो के बारे में आपको बता दें, नाटो का मतलब उत्तर अटलांटिक संधि ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उत्तर अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 1949 में इस पर सिग्नेचर किए गए थे, ठीक, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए, देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? द सेकेंड हाइएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज बीन होस्टेड इन विच स्टेट? तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी का नाम सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज लहरा दिया है। अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू होस्टेड अ 104 फीट टॉल मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग एट नंगपा नत्मे, ठीक है, बुद्धा पार्क इन तवांग, यहां पर इन्होंने इसको फहरा दिया है। 10,000 फीट टॉल नेशनल फ्लैग ओवर लुकिंग द तवांग सिटी इज द सेकेंड हाइएस्ट इन द कंट्री इन टर्म ऑफ एल्टीट्यूड। तो आपको बता दें कि तवांग शहर को देखने वाला 10,000 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई के मामले में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसे फहरा दिया गया है। इससे पहले सितंबर 2021 में शोपिया जिले में स्थित कश्मीर घाटी स्टेडियम में सबसे ऊंचा फ्लैग पोल लगाया गया था, क्योंकि दशकों से उग्रवाद से ज्यादा प्रभावित था। तो शोपिया में भी फहरा दिया गया झंडा, और अब तवांग में भी फहरा दिया गया है झंडा, ठीक है दोस्तों। सो पहला कश्मीर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ अभी हाल ही में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप सभी को बता दें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल भारत को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? भारत को सौंपी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो द मिसाइल कैन बी लॉन्च आइदर फ्रॉम बीएमपी टू टैंक फ्रॉम और फ्रॉम अ ग्राउंड लॉन्चर, यानी आप कंधे पे रख के भी दाग सकते हैं और आप टैंकर के थ्रू भी दाग सकते हैं। ऐसी मिसाइल है कॉन्कर एम एंटी टैंक मिसाइल, जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत की सेना के लिए तैयार कर रहा है, और 75 मीटर से 4 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है 19 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में की गई थी, और इसका हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है, और कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा इसके चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें, BDL इज द ओनली कंपनी इन इंडिया इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल एंड अंडर वाटर वेपन्स फॉर सप्लाई टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो भारत की एकमात्र कंपनी BDL है, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जो मिसाइल के ऊपर काम करती है और अंडर वाटर वेपन पे काम करती है, जो कि भारतीय सेनाओं को देती है और भारत के मित्र देशों को भी उपलब्ध कराती है, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, रमेश देव जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा लेटेस्ट खबर है लता मंगेशकर जी जिनका निधन हो गया है कल, और ये खबर मैंने कल आपको पढ़ा दी थी 10 बजे, और इसके साथ साथ 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया। और जब राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे आधा झुका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लता मंगेशकर जी जो सिंगर थी जिनका निधन हो गया, अब एक और नाम है रमेश देव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, वो भी सिनेमा से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, सिनेमा से। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। विख्यात मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने माने प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। हार्ट अटैक कार्डियो के वजह से इनका निधन हो गया है। और रमेश देव की अगर हम बात करें तो सदाबहार मराठी अभिनेता को 1956 में अंधाला गम तो एक डोला, 1971 में पंथ क्लासिक आनंद, 1962 में आरती, 1974 आम आपकी कसम जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देखा गया है। तो ये सिनेमा से रमेश देव, इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए कुछ और निधन के बारे में आपको बता दें, बंडुला वर्णापुरा श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान, इनका निधन हुआ है। नेदुमुनी वेलु राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, इनका निधन हो गया है। सरनजीत सिंह पूर्व हॉकी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनका निधन हो गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक, इनका निधन हो गया है। शक्ति सिन्हा अटल वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव, इनका भी निधन हो गया। कमला भसीन महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका कमला भसीन का भी निधन हो गया है। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो देखो सेशन, बजट का जो सेशन था वो 21-22 का था, ठीक है। बजट 2022 का जो पेश किया गया है, गवर्नमेंट ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की बात की है क्रिप्टो करेंसी पर, तो आप सभी को बता दें। राधा जी गुड मॉर्निंग। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स इंपोज करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा अनाउंस सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंपोज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी अगर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। अंडर दिस टैक्स ऑफ 30% विल हैव टू बी पेड ऑन द इनकम फ्रॉम क्रिप्टो। आप क्रिप्टो करेंसी से जो भी आय प्राप्त करते हैं उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट चेंज हैव बीन मेड इन टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। तो ये टैक्सेशन के रूल में भी चेंज किया जाएगा जिससे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 30% टैक्स की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। सिर्फ नॉमिनेट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ब्रेक थ्रू अवार्ड एट द प्रेस्टीजियस लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स। तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा जी को नॉमिनेट किया गया। क्या किया गया? नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी दोस्तों ने। सो इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ब्रेक थ्रू अवार्ड एट प्रेस्टीजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है दोस्तों। तो इनको अभी इसमें शामिल किया गया है, नॉमिनेट किया गया, अभी अवार्ड जीता नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपको आगे बता दें, अब देखिए कुछ अवार्ड अभी दिए गए हैं। पुनीत राजकुमार को दिया गया है ब्रह्ममुक्त द्वारा बसव श्री पुरस्कार 2021, ठीक है पहला पॉइंट। अनीता देसाई का नाम सुना होगा जो लेखक हैं, टाटा लिटरेचर लाइफ 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया, ये बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट है। कौशिक बसु को अर्थशास्त्र में हम बोल्ट अनुसंधान पुरस्कार दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आप सभी जितने भी लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे यूनिक फीचर आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी के थ्रू हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी लाखों क्वेरीज के आंसर हिंदी इंग्लिश में हम आपको देंगे, और अगर आप हमारे सब्सक्राइब लर्नर हैं तो हम आपको वीडियो सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें कि ये वेबसाइट के थ्रू भी सेवाएं ली जा सकती है और ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको अनअकैडमी ऐप पे डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करना है, आस्क अ डाउट पे क्लिक करके आपको अपनी डाउट इमेज अपलोड करना है, फिर उसे क्वेश्चन को क्रॉप करके हाईलाइट कर देना और उसका सब्जेक्ट फिल कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे
थोड़े ही समय में आपको हमारा एक्सपर्ट पैनल प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है दोस्तों। और अगर सेशन में कुछ भी आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, चाहे वो मेरा हो, किसी का भी सेशन हो, हर एक सेशन के नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।